आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली से यह कपल अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब छोड़कर रौरकेला उड़ीसा आ जाती है और रौरकेला आके रौरकेला वासियों को सबसे सस्ते में खाना डिलीवर करने लग जाते हैं। 33 रुपए में आपको खाना मिल जाता है, 3 टाइम नॉनवेज मिल जाता है, 1 बार चिकन, 1 बार एग, 1 बार फिश। इन द मीन टाइम उनको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। यू नो कि वो ही इज ओनली 5 years old एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। एम्प्लॉयर है वो 15 दिन का सैलरी भी नहीं दिया एंड ही वाज नॉट थिंकिंग कि 15 दिन वो कैसे मैनेज करेगा। इतना परेशान था मैं लाइफ से कि मैं कैसे करूं। लेकिन हम हार नहीं मानते क्योंकि हार गए तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। आखिर क्या हो सकती है इनके पीछे की कहानी, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए और पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दिल्ली में 2003 से लेकर 2019 तक कॉल सेंटर में काम करता गया, गुड़गांव में था। इतने साल बाहर रहने के बाद ना मैं थोड़ा होमसिक हो रहा था। आई वाज थिंकिंग कि आई विल यू नो कम बैक टू उड़ीसा एंड आई वाज मिसिंग माय डैड एंड मॉम अ लॉट। दिल्ली छोड़ के 2019 में आया तो यहाँ मैंने प्राइवेट नौकरी स्टार्ट कर दी। अभी 1.5 महीने तक लगभग 2 साल तक मैंने वहाँ काम किया। एक दिन गए नहीं, पैसे कट गया, सैलरी 15,000, 12,000, 14,000 कट कुटा के 10,000, उससे ऊपर तो सैलरी कभी हाथ में आया ही नहीं। 3,000-3,000 रुपये का तो पेट्रोल का खर्चा है या घर का किराया 4,000-5,000 रुपये का है। समहाउ लाइफ मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। इतना परेशान था मैं लाइफ से कि मैं कैसे करूं। मुझे भी कोरोना हुआ, जब सेकंड वेव आया तब मुझे भी हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ और मेरे बेटे का भी हुआ। एंड यू नो कि वो ही इज ओनली 5 years old एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड आई वाज नॉट एबल टू गो टू ऑफिस फॉर 15 डेज। ये 15 दिन का सैलरी भी मेरा कट गया था। एम्प्लॉयर है वो 15 दिन का सैलरी भी नहीं दिया एंड ही वाज नॉट थिंकिंग कि ये 15 दिन वो कैसे मैनेज करेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एन आइडिया केम टू माई माइंड, आई विल नॉट वर्क फॉर समबडी, आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ। उसके बाद ये आइडिया है कि लॉकडाउन था, लोगों को खाने में फास्ट फूड नहीं मिलते थे तो लोग बाहर जा ही नहीं पाते थे। हमने सोचा कि कुछ अच्छा बनाएंगे और होम डिलीवरी करेंगे। बाय गॉड ग्रेस माय वाइफ शी इज़ वेरी गुड इन कुकिंग, हमने स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रिंटआउट निकाल के लाए कि वी डिलीवर फास्ट फूड्स, तो उसमें मंचूरियन था, चाउमीन था, मोमोज था, पनीर मोमो, चिकन मोमोज, ये सब हमने हर घर में जाके, मुझे याद है मैंने वो पेपर फेंक के आया गेट गेट पे। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास कॉल्स आने लगे, भैया मंचूरियन चाहिए, भैया चाउमीन चाहिए, तो मैंने टाइम पे डिलीवर भी किया। इन 2 महीने में लोगों के दिल हमने इतना जीत लिया था कि लोगों के ऑर्डर्स भले ही थोड़े से कम हुए लेकिन ऑर्डर्स आते रहे। उसके बाद यहाँ पास में NR32 में एक सैलरीड बंदा रहता था, तो उसने बोला कि भैया मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा, ब्रेकफास्ट आप बनाते हैं क्या। देन ब्राइट आइडिया केम टू माई माइंड कि हम घर पे क्या करते हैं, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया, तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ब्रेकफास्ट देता रहा। उसको खाना इतना अच्छा लगा तो उसने बोला भैया मुझे लंच भी चाहिए। उस समय मैं जॉब भी कर रहा था, साथ में मैंने इसको लंच डिलीवर करता था यहाँ पे और मैं ऑफिस भी जाता था, दोनों काम करता रहा। फिर उन्होंने किसी को रिकमेंड किया, उन्होंने किसी को रिकमेंड करा, ऐसे करके मेरे पास कॉल्स आने लगे, 2-3-4-5 सबको ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए। सो ये सब जब चलता रहा तो फिर मेरी वाइफ ने सजेस्ट करी, तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो मैंने हाँ करते हैं ऐसा, कि उसने घर पे खाना बनाने लगी और मैं ये सब लेके डिलीवर करने लगा। बंदा है उसका नाम है राजेश, तो उसने बोला भैया मैं एक काम करता हूँ, आपका ना इंस्टा में अकाउंट बना देता हूँ जायका फूड्स के नाम पे। तो उसने इंस्टा में डाल दिया। तो 2-3 दिन, 4 दिन के बाद एक कॉल आया मेरे पास। तो एक्चुअली वो ना सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, 1 साल से परेशान था कि भैया खाना कहीं से सही से मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान है हम लोग लाइफ में। मैंने बोला चलो। अब जब उसने 1 हफ्ते तक मेरे से लंच लिया तो उसने बोला कि भैया मेरे कॉलेज में और भी लड़के हैं, सब परेशान हैं, इनको भी खाना मिल सकता है क्या। मैंने बोला हाँ मिल जाएगा। मतलब कि कंज्यूमर एक था और ये करीब 2 महीने के अंदर ये 20-25 होने लग गए। तो मुझे लगा कि इसको बड़े तरीके में करा जा सकता है, अगर चाहें तो इसमें स्कोप है, इसको बनाया जा सकता है बड़ा। उस समय मेरे दिमाग में आने लगा कि मैं जॉब क्विट करूँगा। आज जहाँ पे भी अभी जिस स्टेज पे आई एम स्टैंडिंग एट, इट इज ऑल दिस क्रेडिट गोज टू माई वाइफ। एक्चुअली शी इज द ओनली लेडी जिसने लाइफ में मुझे बहुत सपोर्ट करी है। शी इज माई वाइफ, हर नेम इज मनीषा। मतलब यही है जो सब कुछ बनाती है, सब कुछ करती है। ऐसा नहीं कि मैं ही सारा कर रही हूँ, ये भी मेरा साथ देते हैं। मैं घर पे खाना बनाती हूँ सच है, लेकिन लेके जाते हैं ये दूर में, और इतना ठंड पड़ता है तभी लेके जाते हैं। रात को 3 स्वेटर पहन के जाते हैं, 1 जैकेट ऊपर से, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे आज अगर मैं बंद कर लूंगा। हम दोनों मिलके 50 लोगों को तो खाना जाता है हमारा। हाँ, 50 लोगों को हम खाना डिलीवर करते हैं पूरे राउरकेला में, लेकिन हमने कभी हारा ही नहीं, हार नहीं मानी। अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक इकोनॉमिक एफोर्डेबल प्राइस पे मैंने एक रखा हुआ है, मंथली वो दोपहर का भी खाना खाएंगे और रात का भी खाना खाएंगे, वो है 2,000 रुपीज़ में। जो भी पेरेंट्स यहाँ रहते हैं उनके बच्चे जो है अब्रॉड रहते हैं, वो लोग कुक हायर करते हैं, दे यूज टू पे 7,000 रुपीज़, 8,000, 10,000 रुपीज़।
रुपीज टू द कुक। सो यहाँ पे मैं उनके लिए भी जो होममेड खाना है वो घर पे बनता है मेरा, उनके लिए खाना मैं घर का खाना बना के लेके वहाँ पहुँचा दिया करूँगा। पर मील आपको बैठता है 33 रुपीज 33 पैसा। 33 रुपए में आपको खाना मिल जाता है, 3 टाइम नॉनवेज मिल जाता है, एक बार चिकन, एक बार एग, एक बार फिश। जो चिकन और नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो उनके लिए उनका सब्स्टिट्यूट जो है वो है मशरूम या तो फिर पनीर। साथ में हम लोग वेज सेक्शन और नॉन वेज सेक्शन ही अलग कर रखा है। वो वेज बनता है अलग चूल्हे में, अलग बर्तन में, और नॉन वेज वो अलग पूरा अलग बनता है, उसमें कोई मिलजुल नहीं है। पूरा राउरकेला मैं अभी फिलहाल कवर अप करता हूँ। यहाँ से लेके आप समझ लो कि मैं अगर जगदा पे बैठा हूँ, यहाँ से लेके मैं पानपुर CSTI छेंड से लेके नया बाजार हो गया या डेली मार्केट हो गया, ये पूरा सेक्टर, सारे सेक्टर्स को फॉलो करता हूँ। भैया का खाना बहुत हाइजीनिक रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है, और इनका पैकिंग भी अच्छा है, बिहेव भी अच्छा है, टाइम में लाके भी देते हैं खाना को, क्वालिटी क्वांटिटी सब बेस्ट है। कोई अगर मंगाना भी चाहता है खाना, अगर कोई घर से पिकअप करना चाहता है, तो ये जो मेरा एड्रेस है वो है NR6 जगदा, नियर बाय नीलकंठेश्वर मंदिर एंड सी ब्लॉक राउरकेला। किसी को जरूरत है कभी भी मंगवाइए, खाके देखिए, एंजॉय करिए। अगर मानस भाई, मनीषा भाभी जैसे लोग, दो लोग मिलके इतना बड़ा अगर काम कर सकते हैं, अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते गाइस? शहर में जितने भी बैचलर्स वगैरह है, जो भी नीडी पीपल है जिनको बजट में खाना चाहिए डेली का, वो भी घर का खाना, उसके लिए उन्होंने काम किया और पूरे आधा से ज्यादा राउरकेला को वो कवर करते हैं डिलीवरी में, जो कि बहुत बहुत मेहनत की काम, राइट? और सिंगल हैंडेडली ये दोनों कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जिद है ना, तो आपको राह मिल ही जाएगी। तो गाइज, आप सबका सपोर्ट यहाँ मिलेगा, और एक बार ट्राई करके देखिएगा। जायका फूड्स इनका ब्रांड का नाम इन्होंने दिया है अभी फिलहाल से, और आगे बहुत बड़े बड़े प्लान है, लेकिन आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही आगे बढ़ेगा। और एक बार हमारे वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो, कमेंट क्यों नहीं करते हो? करो ना यार, करो। आप ये वीडियो इसलिए शेयर करो ताकि जो लोग घर पे खाली बैठे हैं उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले और अपने घर से वो बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ हम रहते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आप सबसे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, हमेशा ध्यान रखिए जिंदगी में, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, राइट? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी।